আমরা চাই মমতা ব্যানার্জি আমাদের এখানেই যেন থাকে। आपने प्रियंका तिब्रीवाल का नाम सुना है जो बीजेपी का कैंडिडेट है यहाँ से? हाँ है। टीवी में देखा है, उसके अलावा कुछ जानते हैं आप उनके बारे? उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम जाना कि वो एडवोकेट है। यहाँ पर जो है कहीं टीएमसी है, टीएमसी का ही राज चलेगा, और किसी का राज नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना रैली किया, एक पीएमओ का इतना रैली किया, मगर ममता बनर्जी अकेला उन लोगों पर भारी था। हाई एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू अनदर वीडियो। आज मैं भवानीपुर में हूँ जो कलकत्ता में है, एंड राइट नाउ भवानीपुर इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज़ कंटेस्टिंग द बाईपोल इलेक्शंस फ्रॉम हियर। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहाँ से नहीं जीतती तो वो अपना चीफ मिनिस्टीरियल पोजिशन नहीं रिटेन कर सकती, बिकॉज समबडी हु हैज़ नॉट बिन इलेक्टेड इन टू द स्टेट असेंबली कैन नॉट होल्ड द चीफ मिनिस्टीरियल पोजिशन फॉर मोर देन 6 months। सो इट्स अ वेरी वेरी क्रूशल इलेक्शन फॉर ममता बनर्जी। नाउ भवानीपुर से ममता बनर्जी काफ़ी बार जीत चुकी हैं, फॉर द लास्ट 10 years शी हैज़ वन मल्टीपल इलेक्शंस फ्रॉम हियर, बट दिस टाइम इफ़ यू रिमेंबर शी हैड डिसाइडेड टू कंटेस्ट फ्रॉम नंदीग्राम to openly challenge her one-time aide turned rival Shubhendu Adhikari, and of course she lost those elections. Now this time the BJP has pitted Priyanka Tibriwal, who is a fairly new face, but she is the vice president of the BJP Yuva Morcha, and CPM has pitted Shriji Biswas. Now we are in, like I said, we are in Bhavanipur, and we are going to talk to the people here to kind of get a sense of what they are thinking, if they feel that Mamata Banerjee, any of these candidates, can pose a threat to Mamata Banerjee at all, or is it going to be a very very easy cakewalk for her. So let's find out what people have to say. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe, and let's get straight to it. मेरा नाम नौशाद हुसैन। और आप क्या करते हैं? मैं एक बाइक का छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ। अच्छा, ये दुकान आपकी का है? जी जी, मेरा, हमारा खुद का। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी ममता बनर्जी यहाँ से वापस खड़ी हो रही हैं भवानीपुर से। भवानीपुर से आप यहाँ गए हैं? हाँ, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। यहाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है की इस बार इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन तो आपने 2021 में देखा की ममता बनर्जी बहुत अच्छा बहुमत से जो है जीता, बावजूद के नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना रैली किया, एक पीएमओ का इतना रैली किया, मगर ममता बनर्जी अकेला उन लोगों पर भारी था। तो पब्लिक जो है ममता बनर्जी को ही चाहता है, मोदी को नहीं चाहता है। ममता बनर्जी जो है, जो वादा करता है, कमिटमेंट करती है, वो पूरा करती है, इसीलिए पब्लिक का एक भरोसा है उसके ऊपर में। वो पब्लिक चाहता है कि ममता बनर्जी हमारा सरपरा रहे, हमारा सर सर माने सर के ऊपर में उनका ही हाथ रहे। तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि ममता बनर्जी रहे, और कोई नहीं है, वन शॉट है, अकेला ममता बनर्जी यहाँ से जो है। कैंडिडेट्स के बारे में सुना है आपने? एक जैसे बीजेपी का एक लेडी है प्रियंका तिब्रीवाल है जो यहाँ से खड़ी हो रही है। एक दिन पहले मीडिया में मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, वो कोई तिब्रीवाल बोल के, वो कोई पहचानता नहीं। देखिए, इलेक्शन के टाइम में आप खड़ा होंगे और उसके बाद में बोलेंगे हमको वोट दो, क्यों देगा वोट आपको? आपको उसके लिए पहले करना पड़ेगा, ग्रास लेवल में आदमी के लिए करना पड़ेगा। वो थोड़ा हल्ला गुल्ला करने से, चाय दुकान में चाय पीने से, गन्ना का जूस पीने से, अगर कोई सोचता है कि हम निकल जाएंगे, इलेक्शन ऐसा आदमी नहीं देता। इलेक्शन देने का टाइम आदमी दिमाग में प्रिपेयर होकर घर से निकलता है कि हमको किसको देना है। वो रास्ता में चलते चलते भी जाता है कि हमको इसका भाषण अच्छा लगा, उसका भाषण अच्छा लगा, ये सब सोचते सोचते जाता है। जब बैलेट बॉक्स में जब वोट गिराता है ना, तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे को पीस चाहिए, मेरे को काम चाहिए, वही सोच के गिराता है। एकदम मैं आपको एकदम दिल का बात बता रहा हूँ, मैं अपना खुद बात बता रहा हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? विप्लव मित्र। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बाईपोल जो हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये ममता बनर्जी के लिए? इम्पोर्टेंट तो कुछ
कुछ नहीं है इधर, एखाने इम्पोर्टेंट किछु नहीं, एखाने जा आछे देखानो जिनिस आमादेर ओखाने जेटा करेछिलो ओई आपनार नंदीग्रामे शुभेंदु अधिकारी, से ही शुभेंदु अधिकारी से ही जिनिसटा जेटा करलो सेटा तो हारिए देवा होयेछे, दीदी के हारिए देवा होयेछे, মমতা ব্যানার্জী के हारिए देवा होयेछे, हारिए दिए दीदी से ही घरेर मेये মমতা ব্যানার্জী आबार से ही आमादेर घरे ही दाड़िएछे भवानीपुरे। देखिए उपरवाला से हमारा हम लोग का भवानीपुर का दया है जे भवानीपुर घरेर में जे दीदी आछे মমতা ব্যানার্জী आछे से ही घरेर में के आम्रा ठीक निये निये ची आम्रा चाहे মমতা ব্যানার্জী आमादेर एखाने जान थाके आमादेर एई घर थेके जान अन्य जगह ना चाहे आम्रा एटा चेयेछिलाम आम्रा सेटा पेयेछि दीदी के। भगवान ऊपर से आएगा तब एक तो मालूम होगा जो दीदी का हारने के लिए, तब कोई नहीं आएगा इधर बीजेपी सीपीएम, सीपीएम तो जीरो होगा, कांग्रेस जीरो हो गया, सभी जीरो हो गया, कोई आएगा सभी हारेगा इधर। মমতা ব্যানার্জী बाई इलेक्शन में भवानीपुर में खड़ा हो रहा है वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, घर का लड़की घर में अगर आ जाएगा तो सबको ही अच्छा लगेगा, सिर्फ हमको क्या। लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो মমতা ব্যানার্জী हम लोग को इधर छोड़ के तो चल गया था नंदीग्राम में, नंदीग्राम से इधर फिर से लौट आए हम लोग को, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। नंदीग्राम में जीत गया था, नंदीग्राम में पहले भी মমতা ব্যানার্জী जीत गया था, पहले जब डिक्लेयर कर दिया মমতা ব্যানার্জী जीत गया, उसके बाद क्या हुआ उधर में जो डिक्लेयर थोड़ी देर बाद डिक्लेयर किया जो काउंटिंग में भूल हुआ মমতা ব্যানার্জী हार गया, इधर से ही पता चलता है মমতা ব্যানার্জী जीत गया लेकिन उधर से चीटिंग करके মমতা ব্যানার্জী को हरा दिया। हम लोग के लिए दीदी यहाँ सबसे बेटर है यार, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एकदम 100% यहाँ से कंफर्म हम लोग हैं। तो जब दीदी ने बोला कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी तब आप लोग को क्या लगा? हम लोग को लगा वहाँ भी चुनाव दीदी जीत रही है, हम लोग तो देख रहे हैं कि चुनाव दीदी वहाँ जीत रही थी, बाद में कैसे क्या नहीं पता, लेकिन वहाँ भी चुनाव तो दीदी का जीता, एक बार तो दिखा ही रहा था। देखिए नंदीग्राम में हम लोग हारे नहीं, हम लोग बाद में वहाँ रैगिंग किया, उल्टा सीधा किया गया, वहाँ पर जो है हारने का कोई सवाल थे कि हम लोग टीवी में आप भी देखे होंगे, आप मीडिया में देखे गए মমতা ব্যানার্জী 1200 से लीड दे दी, 1000 से लीड दे दी, फिर बोला कि नहीं कम हो गया, तो आखिरी में क्या बोला कि মমতা ব্যানার্জী विन हो गई, उसके बाद में अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिर बोला कि মমতা ব্যানার্জী हार गई। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिक जाना और इलेक्शन कमीशन का आदमी का वहाँ पर जो बोलना वो पता चलता पब्लिक को। दीदी को ही वोट करें? अच्छा दीदी को ही, क्योंकि बहुत सारा सुविधा दी है यहाँ पे दीदी। क्या सुविधा दी है बताइए थोड़ा? सुविधा हम लोग का इधर में जैसे कोई भी काम होता है ना तो भाई दीदी से यहाँ पे पार्टी का आदमी लोग है बोलते हैं काम कर देता है, कोई भी चीज़ कोई प्रॉब्लम होता है वो लोग आता है हर चीज़ कर देता है। हाँ। तो दीदी तो यहाँ भवानीपुर से ही लड़ती आ रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जब बोला कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी तो आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में? नहीं उनको अपना ये करना था नंदीग्राम में कि हाँ मैं यहाँ पे जैसा मेरा यहाँ पे है सपोर्टिंग वैसा वहाँ पे है कि नहीं वो देखना चाहती थी, वो सब उनको मिला नहीं, लेकिन यहाँ उनका सपोर्ट है क्योंकि हम लोग का जो अलीपुर एरिया है ना ये मतलब उनका बहुत ये है, मैंने शुरू से जब से टीएमसी का ये हुआ तब से उन लोग का ये मतलब सपोर्टिंग है पूरा उनका, हम लोग का अलीपुर अंचल। तो आपको लगता है शुरू से ही उनको यहाँ से ही खड़े होना चाहिए था, नंदीग्राम से नहीं खड़े होना चाहिए था? नहीं गलती किया उन्होंने, खूब भलो मानुष हमारे खूब सहाय करे हमारे सोसाइटी हमारे एरियाटा खूब भलो काज करेछे। কি কাজ করেছে? রাস্তাঘাট সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ড্রেনেজের কোনো প্রবলেম নেই, জলের কোনো প্রবলেম নেই, কোনো কিছুর প্রবলেম নেই। আপনি প্রিয়াঙ্কা তিব্রিওয়াল কা নাম সুনা হ্যায়? জো বিজেপি কা ক্যান্ডিডেট হ্যায় ইয়াহাঁ সে। দেখা হ্যায়। হ্যাঁ। টিভি মে দেখা, উসকে আলাভা কুছ জানতে হ্যায় আপ উনকে বারে মে? উসকে বারে মে কুছ নি জানতে হ্যায়, হাম জানা কি ও অ্যাডভোকেট হ্যায়। হ্যাঁ। অর ভবানীপুর মে হি রহতি হ্যায় ও ভি ইয়াহাঁ কি হি হ্যায়? নেই হাম উসকে সাথ পরিচিত নেই হ্যায়। হ্যাঁ। और वो जो सीपीएम का जो कैंडिडेट है श्रीजी बिस्वास उनको जानते हैं? नहीं उसको भी नहीं जानते हैं, वो हमारा बाड़ी पास दे शेदिन के गया छिलो संडे ते ओई फर्स्ट दिन देखे छिलम। तो इन बस মমতা ব্যানার্জী के अलावा आप नहीं जानते किसी को? नहीं। और सीपीएम का जो कैंडिडेट है वो तो धार में ही नहीं है सीपीएम, श्रीजी बिस्वास जानते हैं? हां वो तो सीपीएम तो लाल बत्ती तो बुझी गई है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है सीपीएम का, यहाँ पर जो है खाली टीएमसी है, टीएमसी का ही रथ चलेगा और किसी का रथ नहीं चलेगा। हम लोग का यहाँ पर बगल में हम लोग का सीएम है,
तो मैं तो उनको ही चुनूंगा ना, कौन जो खड़ा हो चाहे ना हो उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। दीदी छोड़ के हम लोग तो और किसी को वोट देने वाले नहीं है। मेरा एक पर्सनल एडवाइस है CBM के लिए, क्यों खड़ा हो के फालतू में इलेक्शन में खड़ा रहे, 34 साल राज किया, अभी 34 साल के बाद में आप आना फिर खड़ा होना वो सही रहेगा। एक्चुअली 34 साल राज करके जाके पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिया। हम लोग गरीब आदमी, देखिए आप विश्वास नहीं करें, 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस का दाम कितना था, 345 के करीब में था। आज देखिए 900 कितना रुपया हम लोगों, 911 रुपये मैं लिया खुद दो दिन पहले, 911 रुपये में मैं लिया हूँ। तो भैया हम जैसा गरीब आदमी हम लोग कितना काम करके मिलता है पैसा। तो ये अभी देखिए फ्लेक्सुअल कितना करा, 500 रुपया ज़्यादा हो गया ये 4-5 साल में। तो भैया भाषण से कुछ नहीं होगा, आपको राशन देना पड़ेगा। क्या उन लोग हिंदू मुसलमान के, ममता बनर्जी काम किया, ममता बनर्जी बोला हम काम करेंगे, तुम हिंदू मुसलमान करो हम काम करेंगे। जब लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों को बहुत फेवर करती हैं, अपीस करती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मुसलमान का फेवर करती है, कभी फेवर नहीं करती है। ममता बनर्जी का 5 औलाद है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैनिज है, सब है। ममता बनर्जी का नज़र में सब बच्चा एक है, कोई बच्चा खराब नहीं है, सब बच्चा एक है। वो बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है तो ममता बनर्जी थोड़ा सपोर्ट कर देता है कि तुम पढ़ाई करो। हमारा अगर दो बच्चा है, एक बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा तेज है, अगर एक बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, तो जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो मैं उसको एक और टीचर देना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी कुछ नहीं किया, जो नीचा तबका का है, माइनॉरिटी नीचा तबका का है, मैं खुद माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, हमने खुद 9 स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया, उसके बाद में मेरा खुद फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था, घर का माहौल बहुत ख़राब था, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए हमको गैरेज में काम सीखना पड़ा। तो उस वक्त अगर मेरा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उस वक्त अगर ममता बनर्जी मेरा का CM रहता तो शायद मैं पढ़ लेता। लोगों लगता है कि TMC के खिलाफ बात करने में लोगों को थोड़ा डर लगता है? देखिए यहाँ पे हम लोगों को कोई डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ खिलाफ रखे कुछ भी नहीं कर पाएगा आदमी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि दीदी से बड़ा कोई फेस है वेस्ट बंगाल में? आप अपना राय बताइए, और आपको लगता है कि दीदी को हरा देगी? दीदी ने इतना काम किया है, मैंने ममता बनर्जी ने इतना काम किया है कि उनको हराना इम्पॉसिबल है। अगर काम जो सरकार नहीं करते, जैसे आप UP देख लीजिए, हालत देखती होगी आप, जब तक कुछ ना कुछ आते रहता है। बिहार देख लीजिए, पूरा गया है, वो ब्रिज बनाया कितना लाख का टूट गया, उद्घाटन होगा उसका एक दिन पहले टूट गया। बट आप वेस्ट बंगाल को देख सकती हो कि दीदी आने के बाद क्या से क्या हो गया। आप ममता बनर्जी से क्या चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर आपको उनको, हम लोग तो आप क्या चाहते हैं बोलिए, एज अ वेस्ट बंगाल का सिटीजन बोलिए, हम लोग यही चाहते हैं कि दीदी हमेशा रहे वेस्ट बंगाल में, और TMC भी हमेशा रहे। मुझे एक बात बताइए, ये जो आप वायलेंस का बोल रही हो, ठीक है, उसमें क्या हुआ है आपको, वो TMC का जो आप बोल रही हो, वो एक्चुअली जो TMC का है, आपको मैं कितना जो उनको दिखाऊंगा जो BJP का होकर TMC का ड्रेस पहन के ये किया है, लड़ाई किया है, और वहाँ पर दीदी का मतलब जो फेस होता है वो फेस ख़राब करने के लिए ये किया गया था कि दीदी का फेस ख़राब हो। लेकिन जनता तो मूर्ख नहीं है, जनता को पता है ये BJP खुद से करवा रही है ताकि दीदी का फेस ख़राब हो। तो वो TMC ने नहीं करवाया था आपके? TMC ने नहीं करवाया था, अगर करवाया होता तो पूरा जनता साथ देती। ये इलेक्शन के बाद आपने पोस्ट पोल वायलेंस के तो सुना ही होगा, बंगाल में कितना हुआ, काफ़ी लोग मर भी गए। हाँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि TMC के सपोर्टर्स ने BJP वर्कर्स को मारा और CPM के ऑफिसेस को भी जला दिया क्योंकि दूसरों को सपोर्ट किया, मतलब BJP को सपोर्ट किया या CPM को सपोर्ट किया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब अभी देखिए त्रिपुरा में देखिए वायलेंस कितना होता है, अब त्रिपुरा में देखिए वायलेंस तृणमूल कांग्रेस से नहीं होता है, क्योंकि हम एक मुस्लिम के साथ भी रहते हैं, एक हिंदू के साथ भी रहते हैं, सबके साथ एक ट्रीट करता है। अब BJP देखिए RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, उसने तो बोल दिया कि ये भारतवर्ष को हमने हिंदुत्ववादी राष्ट्र घोषणा करना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो तृणमूल को देखिए, उसके बाद तो सब आपका जवाब मिल जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस क्या था, क्या थी और क्या रहेगा, और BJP क्या थी, BJP क्या है और BJP क्या रहेगा। आपको लगता है ममता बनर्जी 2024 में नेशनल कैंडिडेट भी बन सकती हैं PM के लिए? आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल है? हाँ, ममता बनर्जी का इतना पोटेंशियली है। 24 में हम दीदी को लाल किले से कोई शपथ ग्रहण करने के लिए हम तो देखने के लिए उतावले हैं, क्योंकि उन्होंने वेस्ट बंगाल पे जितना काम किया है, हम चाहते हैं राज्य पे भी वो करे। When we had traveled to Nandigram for our ground report earlier in the year before the elections, there was an underlying current of support
फॉर शुभेंदु अधिकारी. इट वॉज अ साइलेंट सपोर्ट, इट वॉज एन अंडरलाइंग करंट एंड आई हैड स्पोकन अबाउट दैट इन माई ग्राउंड रिपोर्ट एज वेल. Here in Bhavanipur, after spending an entire day speaking to at least 100 people both on and off camera, it doesn't seem like Mamata Banerjee is going to lose this one in Bhavanipur. It seems like she has got this one in the bag. Firstly, because the opponents standing against her are people who are not very well known here. People, in fact, most of the people that we spoke to said that they had never heard of most of these candidates, Priyanka Tibriwal, for instance, before a few days that it was announced by the BJP that she's going to contest against Mamata Banerjee. The second point is that Mamata Banerjee is from Bhavanipur and people here do believe that she is the daughter of Bhavanipur. In fact, many also expressed sadness that she chose to go to Nandigram and contest from Nandigram as opposed to continuing to stand from Bhavanipur like she has done in the past. Nevertheless, what exactly happens, we'll have to wait for October 3rd to find out. But as of now, it doesn't seem like Mamata Banerjee is going to lose this one. If you like this video, make sure that you virtually like it as well. Share the video with your friends and your followers. Most importantly, don't forget to subscribe to our channel for more credible and responsible news content. Thank you so much for watching.